लेकिन रामायण काल में जो विकसित विज्ञान मुझे दिखाई देता है, पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जी, यानी कि उस समय साउंडलेस विमान, आज भी पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई इस प्रकार का विमान बन नहीं पाया है जो ध्वनि रहित हो। रात्रि को भी जो विमान बिना लाइट के देखता हो, तो अयोध्या काल में बहुत विकसित विज्ञान था जी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास को लिखने वाले लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें पिछड़ा बताया, सब कुछ बताया, और सारी की सारी तकनीक को, टेक्नोलॉजी को ये कहा गया कि ये तो विदेश से ही आई, अंग्रेजों ने हमें सब कुछ सिखाया। लेकिन हम भास्कराचार्य को पढ़ेंगे, विमान शास्त्र को पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे तो अयोध्या का जो युग था, त्रेता का युग, वो विज्ञान साइंस के दृष्टिकोण से, धन धान्य और वैभव की दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च कोटि पर था।